जीजी को देखो देखो आओ देखो कैमरा जीजी नहीं सॉरी हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो ए वाली वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड सी एंड बहुत ज्यादा तरले मारन तो बाद स्टार्ट हुई है कितने टाइम हुआ दवांगी बट और जो घर के बैक साइड जो नवा पोर्शन बनेगा एक अलग पार्ट है बिकॉज़ सब कुछ छिटी कवर नहीं करते शाम के 6:30 और आज भी वीडियो सवेरे 12 बजे शूट होनी थी बट ओके एनीवेज गाइस लेट्स स्टार्ट असि अंदर शूट कर रहे हैं इसलिए सानू थोड़ी ना शर्म जी आंदी है बाहर है ना सब के सामने इधर कैमरा सेट करके गल कर इसलिए अंदर कर ले हम बाहर स्टार्ट कर लो इस साइड शोरूम है और इस साइड है दोनों पार्किंग है साडा शोरूम बनाने का मेन रीजन ही सी कि वो पार्किंग के उत्ते आ जाता है सो एदा मैं तुहानू बाद चो ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग चो दसांगी इत्थे थार खड़ी हुंदी है इस साइड एक्सयूवी खड़ी हुंदी है एंड जस्ट अ सेकंड सो यह घर का आउटर लुक है यह हाले कंप्लीट होना है सैटअप हाले पेंडिंग है साडा सो मेन टोर फड़े आ गया तू तो फड़े आ गया वाओ ये तो स्वैग से स्वागत हो गया जी जी इस गेट तो बाहर जसमीत की पर्सनैलिटी अलग है इस गेट तो अंदर जसमीत की पर्सनैलिटी अलग है सो इस पर्सनैलिटी ने इतों शूट करना स्टार्ट करना है तो हम इधरों पहला बाहर भी साढ़े को कुछ हैगा इतने बस घा लगन वाला रह गया वेखियो यह कुड़ी सारे पत्ते खा जाएगी हाँ यह चीज़ हमें लगी है भी एक महीने बाद उन्होंने कहा ओपन करनी है बट यह बस इतने ग्रास लगनी है क्योंकि इन्हें पोटी स्टैंड बनाया एक दो तीन ते फिर बस ग्रास का काम रह गया थोड़ी जी वड्डी हो जाए फिर ही करिए क्योंकि हुण ये काम खराब कर रही है बहुत ही ज्यादा काम खराब है जीजू व्हाट आर यू डूइंग नहीं सुनेगी एदा फेवरेट टॉय है जिन्होंने इन्हें मिट्टी ब्लीड करती खाई हुए भाव खा रही है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यस बहुत रेयर ओपन होंगी बहुत रेयर मैं जो दी व्याई आई हूं मैं ज्यादा ओपन हुई ही नहीं हां ते ओ ये सिलेंडर की कर रहे थे वो कल आए मैं फिर आके मैं जाना सीना ओके फाइन एसडी मेन एसडी एक्टिवा बुलेट एक बाइक इथे होर आंदी है पापा लेके गए हुए यार और साडा एक वो भी प्लांट ना बिल्कुल डेड हो चुकी है इथे एक शीशा है ना पापा यूज करदे सवेरे पग बंधन वास्ते एंड अगर पापा दे उथे कोई नाल आ जान ते फिर चेयर्स तां करके रखी हुई है इथे सो हुन मेन एंट्रेंस या बहुत ही अंधेरा ओके एस स्टेयर्स ऊपर जाने है फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही बात जावेंगे पहले इधर आओ ऐसा नहीं किचन है ए किचन साडी किदा यूज हुंदी दसो हुन गर्मियां च आपां मतलब किचन नीचे शिफ्ट कर लेने हैं ते सर्दियां च होते क्योंकि सर्दियां च तो पांदी यार इसलिए ऊपर जल्दी दा खाना वगैरह बाहर खाइदा ते इसलिए गर्मियां च ऊपर बहुत गर्मी हो जांदी इसलिए नीचे आए ने ते बस इथे भी 2 दिन च शिफ्ट होण वाले ही आ 2 दिन रह गया ਐਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਐਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਾਈਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ पेंटिंग्स नहीं है ओह सॉरी थ्रेड वर्क है ऐसा सारा मम्मी ने बनाया हुआ है और ए वाली भी ऐसा सब मम्मी की जवानी के टाइम की बनाई हुई है वहां
आर्टिस्ट साहब किधर गए? सो या ए सारा कलाकारियां पूरा घर ही मम्मी की कलाकारी है बनिया ही मम्मी के हिसाब न सो ए मोम डैड का रूम है बेसिकली मम्मी का कहना दादा जी ने कराईया सी पर लॉजिक आज तक नहीं समझेगा जो हर लॉजिक ये है कि डैडी कहंदे हुंदे कि घर बनाउणा हवादार जेड़ा पुराना घर ही है बहुत वधिया ही पर वो है हवादार नहीं हवादार नहीं दादा जी ने इन्नी हवा करती कि एक एक रूम नु दो दो दरवाजे आ और बेशक दूजा दरवाजा बहुत सदियां बाद खुले बट है के दो दो दरवाजे आ नहीं वो खोल जांदे बेडरूम सफाइयां होण तक ते खुलदे ही आ या चलो लेट्स गो नेक्स्ट आउट हुंदे लॉबी इस साइड ਲੌਬੀ ਚ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੋਕਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਡ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਆਈ ਗਏ 17 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 18 ਇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਰੂਮ ਇਸ ਰੂਮ ਚ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਟੂ दरवाजा हो खुलदा नहीं है बहुत घट खुलदा वा अच्छा एक साडा लाइक अटैच वाशरूम एक ही रूम दे नाल है ओ भी सो ओहदे कारण आप अंदर नहीं जाना मैं लास्ट नहाती थी चंगी तरह साफ नहीं किया मैं वखाणा ही नहीं मैं वखाणा ही नहीं ओके लेट्स गो और एक इहदे नाल मेरी ज्याती दुश्मनी है इहनू मैं बहुत टाइम तो पर यह सब का फेवरेट है बोल के इत्थे हले तक है अच्छा एक आ भी है बट इहदा भी की वेखोगे तुसीं मैं तुहानूं सिर्फ आ विखा दिंदी हाँ हाँ ए हवादार दादा जी की डिमांड से बहुत सारा हवादार घर है साडा बहुत सारा सो थले वाले फ्लोर तो इदा एग्जिट करके तुहानू पहला पिछला साइड विखा दिए फिर असं उत्ते चलते हाँ अच्छा उत्ते जाने गाइज दो सीढ़ियां वा ए एक्चुअली शोरूम के कारण उत्ते बनाई है कि कस्टमर कोई आए तो आन जाने इधरों अजे तो बाकी प्राइवेट साडा इस साइड तो हाँ सो हूँ ही चले अच्छा जो अंदर गेस्ट रूम वाला वॉशरूम से ना एदा दूजा दरवाजा मतलब हर रूम में दो दरवाजे भावे वॉशरूम ही क्यों नहीं हो दूजा दरवाजा ए भी खोल दें अं हवादार एरिया है जिथे रूम का दूजा बेडरूम और गेस्ट रूम वाला दा पिछला खुलदा वा सो या हवादार वास्ते मैं तो आज कैमरा मैन हूँ वुमेन जीजू तुम भी होम टूर दे दो मस्त हम चल दे फाइनली उत्ते पहला बाहर जाना आही एक कारण है साड़ा जो बाहर वाला एरिया वा कि अही सवेरे मतलब सर्दियों किचन उत्ते शिफ्ट कर लेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह सब इत्थे हुंदा धुप्पे आराम नाल बैठ के ਬਾਥਰੂਮ
ਦੰਦੀ ਵਾਕਟ ਹੀ ਗੰਦੀ ਵੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦੋ ਬਾਦ ਨੂੰ ਓਏ ਓਏ ਚਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗੋਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਓਕੇ ਚਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਮੈਸ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਵਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਸ ਹੈ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਹਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਆ ਹਾਲਤ ਆ ਗਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂ ਲਿੰਕੇ ਚਲਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ काफी टाइम मेरी फर्स्ट वीडियो रूम टूर सी मैं उदा लिंक डिस्क्रिप्शन दे दांगी तुसी वो चेक करियो उदो रूम किद्दा सी और हुण रूम किद्दा हुण बड़ा बेसिक जिहा उदो बड़ा क्योंकि उदो असीं न्यूली मैरिड सी इसलिए साडा उस हिसाब नाल डेकोरेट कीता होया सी सो मेनली है मेरा ड्रेसिंग टेबल है इतने जसमीत ने एक थोड़ा जहा कोना दिता है वह भी पूरा नहीं है है ना सॉरी हाँ बस इन्हों का यही जगह बाकी सब मेरा है तो इतने बैड आ जाएगा एंड इतने अं कदी कदी डिनर करना पसंद करते हैं कैंडल लाइट वह भी तो आ टीवी एरिया आ जाएगा मतलब बेसिक है हम सारा रूम तो प्लीज़ गाइज वो वाली वीडियो जरूर देखियो एंड यह मैं एक पेज मैनशन कर दाँगी उन्होंने बहुत ही सोहना मैनू इदा भेजा से तुम अगर किसी को गिफ्ट करना तो ट्राई कर सकते हो सो मैं इदा डेकोरेट किया हो और इतने टीवी मेरा आईपैड फुल मिरर और ये साड़ी पूरी वार्डरोब सो ये साड़ा रूम है पूरी फुल जो कि पूरी फुल एग्जिट करते हैं ही आप फिर लॉबी चाहिए तो लॉबी फिर बेडरूम के नाल साड़ी किचन है ए किचन है जो सी सर्दियां ची यूज करते हैं एंड किचन ची यार बेसिक आई हुंदा इस टाइम पे सारा डिनर रेडी हो रहे मैं पानी पीना मैंने भी दो प्यास लग गई नहीं वीडियो शूट करते करते मिठाई आई हुई है किसी के घर तो अं आते जाते बस यही खा रहे हूँ पानी मैं भी पीना मैं भी थैंक यू चीयर्स तुम भी पानी पी लो गाइस बहुत गर्मी हो गई है कंटिन्यू एंड देन नेक्स्ट अच्छा इतने ओवन आ जाता है एंड इन असं फुली टेबल वर्क यूज करते इतने सारे दे फोन होंगे क्योंकि इतों अं फोन चार्ज करते हैं सवेरे किचन च लगी होंगी है इनवाइटर से है ना इसलिए सारे दे फोन सवेरे इतने होंगे एंड इस तो बाद या ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਿੰਡੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਛੱਤ ਆ ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਥੋਂ ਕਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਹਾਂ ਆ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਜੀ ਇੱਧਰ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਸਤੇ सिंपली हां ते इधर एक चीज एक सेकंड जो ਸਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਆ ਵਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਔਰ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜੇ ਜਸ ਇਹ ਬੰਦ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸਤਾ ਕਢਵਾਇਆ ਪਰ ਆਪ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਲਾਸਟ एंड लॉबी में एक साड़ी एंगेजमेंट की फोटो है साड़ी फैमिली की पूरी दादा जी एक्सपायर हो चुके हैं बट फिर भी एडिशन कराई थी ना दी करवाई थी कि उन्होंने दी बेचे फोटो तो एक फोटो उस साइड आ और एक साड़ी एंगेजमेंट की फोटो इधर लगी हुई है हां तो एक लास्ट चीज जो रहेगी कर दी पूरी बाद में और उतने भी यहीं बहुत रेयर जाने हैं थोड़ा कैमरा ऊपर ज्यादा आंटियां जाते हैं ऊपर जस्ट कारण इत्थे आलू पए हुंदे हाए आलू हले आंटिया ने रखे नहीं आ ते राइस वगैरह इत्थे पए हुंदे आ आटा पिया हुंदा ते इत्थे ही जांदा जो जांदा इक सेकंड इत्थे वेलकम दा हो इत्थे
हाँ जो सा मस्ट है और अं तीन वाईफाई चेंज करा चुके हैं बट फाइनली सू बेस्ट वाईफाई मिले हूँ तो यह साड़ी छत जो बहुत घट यूज होंगी है गाइस उधर सामने कह सकते हो तुम सामने बेंत कॉलेज है ओके जिन्हें पता होगा इस साइड केड़ा वाले जगह स्टार्ट होंदी है मतलब इस साइड नो ए जेड़ा रोड है साडा ए आगे जाके दीनानगर दे हाईवे ते भी मिलदा वा ए रोड भी दीनानगर दे मतलब हाईवे ते मिलदा बरियारा नु रोड बरियारा वाला रोड है ना सामने साडा गुरुद्वारा ए सब तो सोना व्यू साडे घर दा गुरुद्वारा साहब दे कारण आ इत्थो मतलब साडे रूम तो सामना व्यू आ साडे घर तो फिर छत ते खड़े हुई ते मतलब बहुत सोहना दा ए एरिया पार्क हले बनना है और ए नहीं पता सानू कदों बनना है सो साडी छत जो ही मेन मेंशन कीती हो एदा वा इत्थे आ ते ओ बैक साइड वाली उधर ओ यस मतलब साडे अगर अमेज़न वाला कोई आंदा है ना तो यहां ही कहंदे साडी बाज वाली कोठी आ बाज कुरियर वाला आंदा नु ए ही कहंदे बरियारा रोड ते बाज वाली पहली कोठी हां काला गेट लगा दियो पता की हुन अमेज़न वाले नु याद हो गया वा मैडम ओही बाज कोठी वाले ओके सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एसी साडा होम टूर एक हुन शोरूम टूर ते अपना बैक जिहड़ा साडा दूसरा घर है छोटा वो फिर लेके अगले व्लॉग च आवांगे ओके दैट्स इट फॉर द वीडियो थैंक यू वेरी मच प्लीज कंटिन्यू आई होप तुहानू ए वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी मेरा मेन रीजन मॉम दा फोन यूज करन दा ए सी कि वाइड एंगल आएगा और वाइड एंगल च सब सोहना लगता है तो अगर तुहानू होम टूर चंगा लग्या होएगा तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर दस्सो और चैनल नू सबसक्राइब करे बिना ना जाए बहुत ज्यादा जसमीत नू मनान तो बाद ए वीडियो आई है एंड माई आउटफिट फ्रॉम विरसा तो तुम विरसा भी फॉलो कर सकते हो एंड बहुत लाइक मेरे भी ना दिल के बहुत क्लोज है वीडियो सो आई होप तुम सारे पसंद आई होगी और जो बाकी के दो पार्ट है वह भी मैं छेती शूट करने की कोशिश करा तो डैडी इन द सेंस दादा जी जो ने एक्सपायर हो चुके कि टाइम हो गया दादा हवादार बनाया दादू ने हां मम्मा कहंदे कि हम सवेर शाम सारी मेहनत इनी रीज है कि साडा घर इन्ना हवादार आ कि सानू एक आ हवादार वेखियो की चाहिए वा मम्मा इन पोटी आ रही है चल चल जी जी नहीं पोटी पोटी टाइम पोटी टाइम पोटी पोते इतने नहीं करनी मेरे तो नहीं कर रही मेरा प्लीज ओके हाय चलो सो गाइस नेक्स्ट व्लॉग तो जी जी का रूम भी विखावे जी जी का बेडरूम अलग आ तो वह भी विखावे टिल दैन यू गाइस टेक केयर लव यू बाय बाय वेखियो हम इन्हें पोटी नहीं करनी हाई उन्हें अभी प्लांट खराब करता।